एक बार आप इस पेस्ट को अपने चेहरे पर यूज कर लीजिए। एक ही बार के यूज से आपके चेहरे पर कभी भी जिंदगी में झाइयां और झुर्रियां नहीं पड़ पाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज अगर आप इस नुस्खे का यूज कर लेते हैं तो इस नुस्खे से आपके चेहरे की झाइयां और झुर्रियां हमेशा के लिए आपके चेहरे से गायब हो जाएगी। इतनी उम्र के कारण हमारे चेहरे पर झाड़ियां और झुर्रियां पड़ना आम बात होती है, लेकिन फ्रेंड्स आज के खान पान अच्छे नहीं रहे और यंग उम्र में ही हमारी स्किन लटकने लग जाती है। आज के दौर में फ्रेंड्स हम कम उम्र के होते हैं, बूढ़े दिखाई देने लग जाते हैं। यही फ्रेंड्स अगर हम दूसरी ओर देखें तो हमारे मूवीज में जो एक्टर्स होते हैं उनकी इतनी उम्र होने के बाद वो कैसे यंग दिखते हैं। फ्रेंड्स, वो अपने खान पान पर बहुत ही अच्छा ध्यान देते हैं और अपने चेहरों पर समय समय पर ट्रीटमेंट भी करवाते रहते हैं, जिससे कि उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ पाती हैं। फ्रेंड्स, आप भी अपने डेली रूटीन से निकलकर एक बार अपने चेहरे की ओर ध्यान दीजिए। ऐसा करने से आपके चेहरे पर कभी भी झुर्रियां नहीं पड़ेगी और आप यंग उम्र में हमेशा यंग बने रहेंगे और बढ़ती उम्र में भी आप यंग दिखाई देंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लीजिए, चलिए शुरू करते हैं इस नुस्खे को। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले लेना होगा चंदन पाउडर। आपको आधे चम्मच के लगभग इसमें चंदन पाउडर को ऐड करना होगा। चंदन पाउडर फ्रेंड्स हमारे स्किन को टाइट करने का कार्य करता है, जिससे कि हमारी त्वचा लटकती नहीं है, हमारे चेहरे पर झुर्रियां नहीं आ पाती है और हमारे चेहरे पर झाइयां भी हमेशा दूर रहती हैं। इसके अलावा आपको इसमें ऐड करना होगा एक चम्मच के लगभग बेसन। बेसन भी फ्रेंड्स हमारे चेहरे पर एक स्क्रबिंग का कार्य करता है, हमारे चेहरे से डर्ट पॉल्यूशन गंदगी को बाहर निकालता है। ये हमारे चेहरे के रोम छिद्रों को खोल देते हैं, जिससे कि फ्रेंड्स उनके अंदर की जमी गंदगी बाहर तेजी से रिमूव होने लग जाती है। और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा आधा कटा नींबू का रस। नींबू हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारी स्किन में कभी भी विटामिन सी की कमी नहीं होने देता और हमारी स्किन को हमेशा जवान खूबसूरत बनाए रखता है, चेहरे पर पिंपल्स रिंकल दाग धब्बे आदि को आने से रोकता है और हमें बढ़ती उम्र में ले जाने से भी रोकता है, यानी कि हमें यंग और जवान बनाए रखता है। फ्रेंड्स, इस पेस्ट को आप अच्छे से मिक्स करने के लिए इसमें ऐड कीजिएगा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं कि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन को तेज़ी से सुंदर गोरा बनाने का कार्य करता है और हमारी स्किन पर सॉफ्टनेस का कार्य भी करता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। आपको इसे एक गाढ़ा पेस्ट बनाना होगा ताकि आप इसे अपनी स्किन पर बहुत ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया से लगा सकें। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस पेस्ट में बिल्कुल भी दरारें ना हो, ये एकदम मुलायम और स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार होना चाहिए। इस तरह से आप इसे मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे अपने फेस पर लगाना होगा। फेस पर फ्रेंड्स आपको इसे एक पैक की तरह लगाना है और सूखने तक लगाकर रखना होगा। सिर्फ आपको वीक में इसे एक बार यूज़ करना है। एक बार के यूज़ से ही आपकी स्किन हमेशा के लिए टाइट हो जाएगी और आपके चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ चुकी हैं वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। ये आपके चेहरे से झाइयों को आने से रोकेगा और बढ़ती उम्र के कारण आपके स्किन का जो रंग डल पड़ता जा रहा है वो भी वापस आ जाएगा और आपके चेहरे का रंग तेज़ी से गोरा निकल आएगा। तो आप इसका यूज़ कीजिए और अपने चेहरे को सुंदर गोरा और जवा बनाइए। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।